हेलो फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम में हम लोग हायर एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं कॉमन पेपर के अंतर्गत, और उसके अंतर्गत हम लोग अभी एजुकेशनल पॉलिसीज एंड कमेटी का डिस्कशन हमारा चल रहा है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटी है, चौहान समिति, या इसको हम SB चौहान कमेटी भी कहते हैं, 1990 की। ये SB चौहान कमेटी जो है वो ह्यूमन वैल्यूज इन एजुकेशन को लेकर के है, या वैल्यू एजुकेशन को लेकर के एक पार्लियामेंट्री कमेटी है। SB चौहान क्यों थे, ध्यान रखें कि ये एक जो है वो फॉर्मर CM ऑफ महाराष्ट्र है, फॉर्मर CM ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनी थी, और इसको हम दो और नामों से जानते हैं, कमेटी ऑन ह्यूमन वैल्यू इन एजुकेशन, या इसको पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वैल्यू एजुकेशन भी कहा जाता है, अर्थात मूल शिक्षा पर एक संसदीय समिति है। तो इंडियन पार्लियामेंट द्वारा इस समिति को बनाया जाता है 1990 में, और इस समिति ने एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, इसमें बहुत सारे पार्लियामेंट के मेंबर, संसद के सदस्य थे, विशेष रूप से राज्यसभा के काफी सदस्य थे। तो राज्यसभा की एक तरीके की, ये चूंकि राज्यसभा भारतीय पार्लियामेंट का एक परमानेंट पार्ट है, तो उसकी उसने इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था, और इस कमेटी ने वैल्यू एजुकेशन के बारे में रिकमेंडेशन की थी। गाइस, हम लोगों ने वैल्यू एजुकेशन के बारे में एक और कमेटी पहले ही पढ़ चुके हैं, 1959 की श्री प्रकाश समिति, और उसने भी रिलीजियस और मोरल एजुकेशन पर अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। तो वहां पर रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन है, यहाँ और वो जो कमेटी है वो कमेटी गठित की जाती है एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के द्वारा, ये एक तरीके की पार्लियामेंट्री कमेटी है, लेकिन उसके बहुत सारे सुझाव भी महत्वपूर्ण थे, और यहाँ पर भी इस कमेटी ने भी मूल शिक्षा के बारे में जो सुझाव दिए वो सुझाव काफी प्रासंगिक थे, और उन्हें इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अडॉप्ट भी किया गया। तो हम इस कमेटी के मेजर रिकमेंडेशन पर बात करते हैं, क्या उसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें थी। तो मेजर रिकमेंडेशन, अब अगर उसमें सबसे पहले रिकमेंडेशंस की बात की जाए, तो उन्होंने कहा कि वैल्यू एजुकेशन को स्कूल सिस्टम में, या स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, और यूनिवर्सिटी लेवल पर फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया जाए। तो यहां पहला इनका सुझाव था इंट्रोड्यूस वैल्यू एजुकेशन एट स्कूल लेवल and also extended to universities and colleges, अर्थात उसको स्कूल लेवल पर तो इंट्रोड्यूस किया ही जाए, उसको विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों तक भी क्या किया जाए, विस्तारित किया जाए। अब यहां पर इस कमेटी ने कहा कि स्कूल लेवल पर और कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो मोड है वो डिफरेंट रखना चाहिए। स्कूल लेवल के बारे में इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि स्कूल लेवल पर हमें मोरल स्टोरीज के द्वारा, पोएम्स के द्वारा, सॉन्ग के द्वारा, जो लोकल फोक म्यूजिक होता है उसके द्वारा हमको बच्चों को मोरल एजुकेशन या वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पर बच्चा स्टूडेंट मैच्योर हो चुका होता है, तो उस स्तर पर वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो हमारे आइडियल्स हैं, जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, फॉर एग्जांपल गांधी जी हैं, विवेकानंद हैं, अरविंदो हैं, तो इन लोगों की जो बायोग्राफी है, इन लोगों के जो लाइफ इवेंट्स हैं, उनको पढ़ाना चाहिए, उनके बारे में बच्चों को सूचित करना चाहिए। अब यहाँ पर इस कमेटी ने एक बात जरूर कही कि
जो वैल्यू एजुकेशन है उसको सेपरेटली एज अ सब्जेक्ट हमें स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए और ना ही उसका असेसमेंट करना चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं है। तो दूसरा, यहाँ पर उन्होंने कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में वैल्यू एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने की बात तो की, परंतु उन्होंने कहा कि वैल्यू एजुकेशन टॉट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट एंड सेपरेट सब्जेक्ट एंड असिस्ट देम and assessed them in school, college or universities is not good। कहने का तात्पर्य है कि हमें विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में मूल शिक्षा को लागू तो करना चाहिए, लेकिन उसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में, एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में फॉर्मली नहीं पढ़ाना, यानी उसका कोई पीरियड नहीं लगाना चाहिए और ना ही उसका कोई मूल्यांकन यानी उसका कोई पेपर फॉर्मल लेना चाहिए। क्यों इस कमेटी ने कहा? क्योंकि इनका कहना था कि जो वैल्यू एजुकेशन है, वैल्यू एजुकेशन इज नॉट अ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, वैल्यू एजुकेशन, क्योंकि अगर हम उसको एज ए सेपरेट सब्जेक्ट कर देंगे तो फिर टीचर एज वेल एज स्टूडेंट भी उस सब्जेक्ट में अच्छा से अच्छा या ज्यादा से ज्यादा स्कोर गेन करने की कोशिश करेंगे, एक्चुअल में वो वैल्यू को लर्न नहीं करेंगे, एक्वायर नहीं करेंगे, अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो हमें मूल्यों का विकास करना है, ना कि मूल्यों के बारे में सूचना एकत्रित करनी है और अच्छे नंबर लाने। इसलिए इस कमेटी ने वैल्यू एजुकेशन को कंपलसरी करने की बात की थी स्कूलिंग सिस्टम में या एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन इस कमेटी ने कहा कि हमें वैल्यू एजुकेशन को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में, एक फॉर्मल क्लासरूम सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस या यूज नहीं करना चाहिए, ये पढ़ाना नहीं चाहिए और ना ही उसकी कोई परीक्षा ली जानी चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको फॉर्मल क्लासरूम लर्निंग से और एग्जामिनेशन से जोड़ देंगे तो फिर बच्चे केवल और केवल इसे एक अच्छे मार्क्स गेन करने के रेफरेंस तक ही सीमित रखेंगे, वो उससे कुछ जो हमारा पर्पस है वो पर्पस हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तीसरा इनका रिकमेंडेशंस था कि गिव रिवॉर्ड टू टीचर्स हु इंट्रोड्यूस वैल्यू एजुकेशन या हु इंट्रोड्यूस वैल्यूज इन देयर नॉर्मल लेसन्स। अर्थात जो विद्या शिक्षक अपने एक सामान्य पाठ में मूल्यों को शामिल करके शिक्षा देते हैं, तो इस तरह के शिक्षकों को हमें पुरस्कृत करना चाहिए, इस तरह के शिक्षकों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि उनका कहना था कि हमें सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना नहीं है, तो फिर हमको, हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएं, हम मैथ पढ़ाएं, हम साइंस पढ़ाएं, हम सोशल साइंस पढ़ाएं, हर एक सब्जेक्ट को हमें वैल्यू ओरिएंटेड करके पढ़ाना चाहिए। और जो टीचर इस वैल्यू ओरिएंटेशंस के साथ अपने सामान्य पाठों को पढ़ाते हैं, ऐसे शिक्षकों को हमें पुनर्बलित करना चाहिए, उनको रिवॉर्ड करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इस तरीके की, यानी जो उन्होंने कही कि हमें, यानी तीनों बातें दूसरे से कोरिलेटेड हैं, हमें विद्यालयों में, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में मूल शिक्षा को लागू करना चाहिए, शिक्षा का एक अनिवार्य अंग बनाना चाहिए, लेकिन शैक्षिक संस्थानों में मूल शिक्षा को क्लासरूम लर्निंग और परीक्षा से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि मूल शिक्षा सभी विषयों के साथ, जैसे हम कोई भी डिश बनाते हैं
तो उसमें नॉर्मली हम साल्ट का प्रयोग करते हैं मोस्टली। तो उसी तरीके से कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ाएं, कोई भी टॉपिक पढ़ाएं, हमको उस टॉपिक के साथ वैल्यू को कनेक्ट करके बच्चे को डिलीवर करना है, यानी हमें वैल्यू ओरिएंटेड नॉलेज डिलीवरी प्रोसेस को रखना है। और ये जो वैल्यू मिक्स नॉलेज डिलीवरी या इंफॉर्मेशन डिलीवरी प्रोसेस को जो टीचर करेंगे, उन टीचर्स को हमें रिवॉर्ड करना चाहिए। तो ये तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है इस कमेटी की, वैल्यू एजुकेशन के बारे में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। और आज भी वैल्यू एजुकेशन को एज इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा, और हम नॉर्मल जो हमारे स्कूलिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं स्कूलिंग सब्जेक्ट्स को हम वैल्यू ओरिएंटेशंस के साथ डिलीवर करने की प्रोसेस करते हैं इन अ हायर लेवल। हाँ, स्कूलिंग लेवल पर कुछ कुछ जो बोर्ड्स हैं वो वैल्यू एजुकेशन को एज इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन जो चौहान समिति है इस समिति ने इसका विरोध किया था और इसे अच्छा नहीं माना। चलिए इसके अलावा और भी रिकमेंडेशंस के बारे में चर्चा करते हैं। ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड थी। एक चौथी रिकमेंडेशंस के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, और वो है यूनिवर्सल वैल्यू एजुकेशंस के बारे में, यानी चौथा पॉइंट है यहाँ पर। अब वैल्यू एजुकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इन्होंने वैल्यू एजुकेशंस के चार प्रकार बताए कि वैल्यू एजुकेशन के चार मोड होते हैं। एक होती है पर्सनल वैल्यूज, फिर दूसरी होती है सोशल वैल्यूज, फिर होती है नेशनल वैल्यूज, और फिर होती है इंटरनेशनल वैल्यूज। तो हमें व्यक्तिगत मूल, सामाजिक मूल, राष्ट्रीय मूल और अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के संदर्भ में शिक्षा देनी है। वैल्यू एजुकेशन को केवल पर्सनल वैल्यूज तक हमें सीमित नहीं रखना। अब यहाँ पर्सनल वैल्यूज क्या होते हैं, सोशल वैल्यूज क्या होते हैं, नेशनल वैल्यूज क्या होते हैं, इंटरनेशनल वैल्यूज क्या होती है। जैसे अगर हम कहें कि नॉन वायलेंस, तो ये तीनों जगह, चारों जगह में आ सकती है। तो कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज होती है, उन्होंने कहा था कि एजुकेशन सिस्टम को स्टूडेंट में पांच जो यूनिवर्सल वैल्यूज है उनको डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उनका पांचवा रिकमेंडेशन था डेवलप फाइव यूनिवर्सल वैल्यूज इन स्टूडेंट। अब वो पांच यूनिवर्सल वैल्यूज हैं क्या? पहली उन्होंने कहा, पहली वैल्यूज है उनकी ट्रुथ, दूसरी है राइटर्स कंडक्ट, तीसरी है पीस, चौथी है लव, और पांचवी है नॉन वायलेंस। अर्थात ये क्या है, सत्य है, ये सदाचार है, यानी अच्छा आचरण है, शांति है, प्रेम है और अहिंसा है, ये यूनिवर्सल है। अब इन्होंने इनको पांच पर्सनालिटी फैक्टर से जोड़ा कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे ट्रुथ है, ट्रुथ को उन्होंने कहा कि ये इंटेलेक्चुअलिटी से जुड़ता है, ये इस किससे जुड़ता है, बुद्धिमत्ता से, ये इंटेलेक्चुअल है, ये फिजिकल है, ये इमोशनल है, ये साइकोलॉजिकल है, और ये स्पिरिचुअल है। और ये जो चारों चीजें हैं, ये हैं क्या हमारे, ये हमारे फाइव पर्सनालिटी डायमेंशंस हैं। और ये जो पांचों चीजें हैं, इन पांचों चीजों का शिक्षा के पांच उद्देश्यों से संबंध भी है।
जो ट्रूथ है यानी इससे संबंध है नॉलेज से, इसका जो संबंध है वो है स्किल से, इसका जो संबंध है बैलेंस से, यानी एडजस्टमेंट कह सकते हैं, इसका जो संबंध है वो है विजन से, और इसका संबंध है आइडेंटिटी से। और ये है क्या फाइव मेजर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये कमेटी ने जिन चार पांच सार्वभौमिक या सार्वत्रिक मूल्यों की या यूनिवर्सल वैल्यूज की बात की है, वो वैल्यूज क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन वैल्यूज को जब हम डेवलप करते हैं तो एजुकेशन प्रोसेस क्या है, एजुकेशन प्रोसेस है एक 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 पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन इंडिविजुअल। यानी जब किसी हम एक व्यक्ति विशेष में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया संचालित करते हैं तो उसे शिक्षा कहते हैं। तो पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन अर्थात हमें एक अच्छा एक सकारात्मक इंसान बनाना, एक अच्छा नागरिक बनाना है। तो जब आप वैल्यू डेवलपमेंट करते हो तो वैल्यू डेवलपमेंट का मतलब है कि उसमें उसकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है और साथ ही साथ उसके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी आपको अचीव होते हैं। तो वैल्यू एजुकेशन जो है वो एजुकेशनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, जिसमें जब हम ट्रुथ यानी सत्य का मूल्य विकसित करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या बौद्धिक विकास कर रहे होते हैं, और इससे हमको ज्ञान की प्राप्ति यानी ज्ञान रूपी हमारा शैक्षिक उद्देश्य पूरा होता है। राइटर्स कंडक्ट, जब हम अच्छा आचरण करने के बारे बच्चों को अच्छा आचरण का मूल्य विकसित करते हैं तो उससे उसका शारीरिक विकास होता है, और इससे शिक्षा का उद्देश्य यानी उसके अंदर कौशल डेवलपमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है एजुकेशनल प्रोस्पेक्टिव में। जब हम उसमें शांति का मूल्य विकसित करते हैं तो हम उसका इमोशनल ऑस्पेक्ट या उसका भावात्मक पहलू विकसित करते हैं, और इससे वो क्या करता है बैलेंस या इसके द्वारा वो एडजस्टमेंट डेवलप करता है शिक्षा में या वातावरण में समायोजन करना सीखता है। जब हम उसके अंदर लव डेवलप करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर्सनालिटी का डेवलप कर रहे होते हैं, और उससे शिक्षा का हमको एक विजन मिलता है, यानी हम उसमें एक दूरदृष्टिता यानी एक विजन डेवलप कर रहे होते हैं। जब हम उसमें नॉन वायलेंस या अहिंसा का मूल्य विकसित करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका आध्यात्मिक पहलू विकसित कर रहे होते हैं, और इससे उसमें एक पहचान का भाव या एक आइडेंटिटी जो है जो डिस्क्लोजर होता है या जो आइडेंटिटी डिस्कवरी होती है इंसान की पर्सनल शिक्षा के अंदर, हम उसका वो एक पहचान उसकी विकसित करते हैं या पहचान को हम उसकी निर्मित करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सजेशन था इस कमेटी का, एस बी चौहान समिति का, और इसने कहा कि हमें शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी के अंदर पांच सार्वभौमिक मूल्य विकसित करने चाहिए, और ये पांच सार्वभौमिक मूल्य जो हैं वो व्यक्तित्व के पांच पहलुओं से संबंधित हैं, और साथ ही ये जो पांच सार्वभौमिक मूल्य हैं ये शिक्षा के पांच उद्देश्यों से भी संबंधित हैं। तो पांच सार्वभौमिक मूल्यों का व्यक्तित्व के पांच आयामों के साथ एक घनिष्ठ संबंध, और व्यक्तित्व के ये पांच जो आयाम है ये शिक्षा के चार शैक्षिक उद्देश्यों से या लक्ष्यों से भी संबंधित है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो सुझाव था इस कमेटी का, बाद में इन्हीं को विकसित करने की दिशा में तमाम प्रयास भी शुरू हुए। इसके अलावा और भी एक सजेशन है कि कमेटी ने कहा कि जो श्री प्रकाश समिति ने कहा था कि जो मेडिटेशन है और मॉर्निंग असेंबली है उसको भी हमें एजुकेशन सिस्टम में अडॉप्ट करना चाहिए, तो यहां पर इसने भी वही बात की, मेडिटेशन एंड मॉर्निंग असेंबली यानी जो सुबह की प्रार्थना है इन इंस्टीट्यूशंस, तीसरा वैल्यू एजुकेशन के बारे में इनका कहना था कि प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन केयरफुली। तो
यौन शिक्षा को भी समिति ने मूल शिक्षा के अंतर्गत रखा और कहा कि बहुत सावधानी पूर्वक जो है वो हमको सेक्स एजुकेशन भी देनी है, क्योंकि अगर हम यौन शिक्षा को सही तरीके से नहीं रखेंगे तो वो एक नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है, और अगर हम यौन शिक्षा नहीं भी देंगे तो भी उससे बहुत बड़ी क्षति होती है। आखिरी उनका सुझाव था क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम, क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम फॉर मीडिया। इस समिति का कहना था कि वर्तमान में जो मीडिया है या जो टीवी है उस पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आने लगे हैं जो मोरली या बच्चों पर के मूल शिक्षा को लेकर के, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ पर ओपननेस है, वैलगैरिटी है, तो इससे विद्यार्थियों पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमें जो मीडिया है या जो हमारा संचार तंत्र है, जो दूरदर्शन है या तमाम दूसरे जो टीवी चैनल्स हैं, रेडियो प्लेटफॉर्म हैं, प्रिंट मीडिया है, वहाँ पर हमें ऐसे कार्यक्रमों, ऐसे विज्ञापनों पर जो है वो एक नियंत्रण रखने के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि समाज पर और सिर्फ बच्चों पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो ये 8 मुख्य सुझाव थे इस कमेटी के, ह्यूमन वैल्यूज इन एजुकेशन या वैल्यू एजुकेशन इन इंडियन सिस्टम के बारे में। तो इसमें मुख्य बातें आपको क्या ध्यान रखनी, पहला कि इसने मूल शिक्षा को विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शुरू करने के लिए तो कहा, लेकिन एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाने की वकालत नहीं की, बल्कि सभी जो कक्षा में विषय हैं उन विषयों के साथ इसको एक बाय प्रोडक्ट के रूप में इन्वॉल्व करने की बात की। दूसरी बात की कि अगर जो इस तरह का काम सफलतापूर्वक करे जो शिक्षक, उस शिक्षक को आप क्या करें, पुरस्कृत करें। फिर इन्होंने कहा कि जो मूल शिक्षा है उसमें हमें व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चारों तरह के मूल्य विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, और कम से कम 5 जो सार्वभौमिक मूल्य हैं, ट्रुथ, राइटर्स कंडक्ट, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस, ये प्रत्येक विद्यार्थी में विकसित किए जाने चाहिए। ये 5 इसलिए विकसित करने चाहिए कि इन 5 सार्वभौमिक मूल्यों का संबंध व्यक्तित्व के 5 आयामों से, साथ ही साथ शिक्षा के 4 उद्देश्यों से भी है। और फिर इन्होंने मूल्य शिक्षा के अंतर्गत सेक्स एजुकेशन को भी सावधानी पूर्वक देने की बात कही यहाँ पर, मॉर्निंग असेंबली और मेडिटेशंस के बारे में भी बात की यहाँ पर, क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में बात की, ताकि जो व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में तमाम तरह के जो इंटरटेनमेंट सोर्सेज इस्तेमाल करता है वहाँ पर कुछ ऐसा प्रोग्राम ना लॉन्च हो जो विद्यार्थियों के मूल्य विकास या ह्यूमन वैल्यूज के डेवलपमेंट पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, अर्थात बहुत ज़्यादा वहाँ हिंसात्मक प्रोग्राम ना दिखे जाए, बहुत ज़्यादा वहाँ पर वल्गैरिटी ना दिखी जाए। तो इस तरीके के प्रोग्रामों पर नियंत्रण रखने की बात की, या एक तरीके से वहाँ पर उन पर कंट्रोल करने की बात कही गई। तो ये थी गाइस हमारी चौहान समिति 1990 की, जो स्किप कर रही थी, क्योंकि हम इस टॉपिक को क्रोनोलॉजिकली पढ़ रहे थे, और हम लोग लास्ट क्लास में 1995 की जो टकावले समिति है वहां तक पहुंच चुके थे। तो 1995 से हमको रिवर्स होना पड़ा, लेकिन चूंकि ये इम्पोर्टेंट कमेटी थी इसलिए इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। एक और कमेटी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो है साइकिया कमेटी। तो दूसरा है हमारा आज का टॉपिक साइकिया कमेटी 1994-97। इसको हम साइकिया समिति भी कहें हिंदी में। और ये समिति के जो चेयरपर्सन हैं वो हैं मुहिराम साइकिया। और ये क्या है,
पॉलिटिशियन ऑफ असम। असम के एक राजनेता हैं और उनकी अध्यक्षता में इस समिति का जो है वो गठन किया जाता है। एक असम गण परिषद पार्टी और वहां के लीडर हैं। तो एक राजनेता है असम के, मुहीराम सैकिया। तो मुहीराम सैकिया की अध्यक्षता में 1994 में एक समिति बनाई जाती है और 1997 में ये समिति अपना प्रतिवेदन देती है। तो इसके चेयरपर्सन के नाम से ही इसको हम सैकिया कहते हैं। अब ये समिति ने काम क्या किया, इसको कहते क्या है? ये समिति है कमेटी ऑन कमेटी फॉर मेकिंग एलिमेंट्री एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट। यानी जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसको एक मौलिक अधिकार के रूप में बना रखा जाए या बनाया जाए या निर्मित किया जाए। क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो हमको अप्रैल 2010 से लागू है, वो शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में, यानी फंडामेंटल राइट फॉर अप टू 14 years student, यानी 14 साल तक के व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करना उसका बुनियादी अधिकार है या मौलिक अधिकार है। इस दिशा में जो है ये समिति बनाएगी, अर्थात एक तरीके से ये हमारी राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करती है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो संविधान में प्रावधान है उसके बारे में समिति बात करती है। अब आप कहें इसके इस समिति का भारतीय शिक्षा में और शिक्षा के अधिकार अधिनियम में क्या योगदान है, उसकी चर्चा हमें आज करनी है। चूंकि हम 2009 के शिक्षा के अधिकार अधिनियम या आरटीई एक्ट 2009 से भली भांति परिचित है और आगे ऐसी सीक्वेंस में 2009 में जब हम पहुंचेंगे तो हम इसके बारे में एक चर्चा भी करेंगे। लेकिन जब भारत में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में और वो भी बुनियादी शिक्षा को, यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है और 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा मुफ्त में देना राज्य का कर्तव्य है, तो जब ये दो बातें निकल करके राइट टू एजुकेशन एक्ट में है, दो बातें सरकार के आधार के बिहाफ पर, पेरेंट्स के बिहाफ पर और स्टूडेंट के बिहाफ पर, स्टूडेंट का यानी 6 से 14 वर्ष तक के किसी भी बच्चे का या चाइल्ड का एलिमेंट्री एजुकेशन गेन करना उसका फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21A उसको प्रोवाइड करता है। दूसरा, राइट टू एजुकेशन एक्ट प्रत्येक राज्य सरकार से प्रत्येक सरकार को ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो अपने प्रत्येक राज्य के प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को मुफ्त में बुनियादी तालीम उपलब्ध कराएगा। और तीसरा, प्रत्येक अभिभावक का भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा करने का अवसर उपलब्ध कराए। तो ये जो तीन बातें हैं, विद्यार्थी के ऑस्पेक्ट पर, अभिभावक के ऑस्पेक्ट पर और सरकार के ऑस्पेक्ट पर, ये तीनों बातें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हमको बताता है। लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट बड़ी आसानी से अचानक भारत में नहीं आया, इसके पीछे एक लंबी बहुत लड़ाई है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो ये कमेटी उस प्रक्रिया में एक मील का पत्थर है और इस कमेटी का बहुत बड़ा योगदान है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के सक्सेसफुली बनने और उसके लागू होने में। तो हम सकैया समिति के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये समिति क्या है। समिति है प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में बनाने की समिति, या इस समिति ने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए उसकी दिशा में इसने रिकमेंडेशन दी 1994-97 में। अब
यहाँ पर इसकी रिकमेंडेशंस को समझने से पहले हमें दो बातें समझ लेनी है कि क्या भारत में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में प्रयास 1994 में किए गए पहली दफा। तो इसके थोड़े से हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। देखिए, अगर हम पूरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी चर्चा है वो चर्चा आप समझ लीजिए किस बारे में है। यहाँ पर चर्चा है फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में। और 6 to 12 ईयर्स यानी 10 ईयर एजुकेशन प्रोग्राम को लेकर के चलती है। तो हम यहां पर बात फ्री एंड कंपलसरी, और यही हमारा क्या है RTE जो एक्ट है 2009 वो हमको देता है। लेकिन ये RTE एक्ट 2009 जो हमको फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन का राइट एज ए फंडामेंटल राइट देता है, इसकी शुरुआत 1994 में नहीं होती बल्कि बहुत पहले है। अगर हम भारतीय शिक्षा के इतिहास पर गौर करें तो यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से भी जो है बिंदुओं को आपको नोट रखना है। भारत में अगर हम फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन के पहली आवाज या पहली वॉइस को देखें तो वो पहली वॉइस उठी थी 1882 के हंटर कमीशन। हंटर कमीशन में पहली बार जो इंडियन पॉलिटिशियंस थे, जो भारतीय नेता थे, उन्होंने सरकार से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एंड मास एजुकेशन, मास एंड फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बात की थी। हालांकि उस समय उस एक्ट में इस प्रावधान को कंसीडर नहीं किया गया। तो पहली जो आवाज उठती है, जो पहला साक्ष्य मिलता है, वो मिलता है 1882 के हंटर आयोग में, जब भारतीय राजनेताओं ने मास एजुकेशन यानी जन शिक्षा और मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा को लेकर के एक डिमांड रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। उसके बाद जो पहला दूसरा प्रयास होता है वो 1911 का गोखले बिल आता है। तो दूसरा जो प्रयास है वो है 1911 का गोखले बिल, और इसमें उन्होंने मान रखी, लेकिन ये बिल क्या हुआ, रिजेक्ट हो जाता है। तो अभी नॉन गवर्नमेंट लेवल पर ये सारे प्रयास हो रहे हैं। गोखले बिल 1911 में लिखित रूप में, यहां पर ये क्या था, ये ओरल था और ये रिटन फॉर्म था। तो पहला जो दस्तावेज है वो गोखले बिल है हमारा RTE एक्ट के बारे में। इसके बाद 1917 में विठल भाई पटेल यानी एक पटेल एक्ट आता है। पटेल एक्ट 1917 में आता है, विठल भाई पटेल की अध्यक्षता में वो अप्रूव्ड होता है, और उससे तत्कालीन जो है वो शिक्षा में फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन की जो स्टार्टिंग होती है और वो स्वतंत्रता प्राप्ति तक बनी रहती है। इसके बाद भारत आजाद होता है और तमाम आयोग बनते हैं, लेकिन उसमें शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित करने की, और जो बुनियादी प्राथमिक शिक्षा है उसको एक बुनियादी एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया नहीं हुई है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा योगदान है, आप ध्यान रखें कि जो हमारा 1986 का NPE है, यानी जो हमारा NPE 1986 है, शिक्षा भारतीय शिक्षा में ये मील का पत्थर है, लेकिन इसमें भी RTE के बारे में कोई प्रावधान नहीं था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, पहला जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिलता है फ्री एवं कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में वो मिलता है 1990 का जो आचार्य राममूर्ति कमेटी है। तो जो 1990 की राममूर्ति कमेटी है उसको कहा जाता है, इसको आप ऐसे ध्यान रखें कि फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट
रिलेटेड टू आरटीईए भारत में इन इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, तो ये ध्यान रखिए कि भारत में अनिवार्य मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को लेकर के पहला जो आधिकारिक दस्तावेज है वो कौन है, तो वो है एनपी रिव्यू कमेटी NP 1986 की रिव्यू कमेटी, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो एक समीक्षा समिति थी, प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की दिशा जिसका टाइटल था, तो वो आचार्य राममूर्ति समिति ने पहली दफा आधिकारिक रूप से फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में प्रयास किया। तो 1990 के बाद जो प्रयास हुआ फिर वो सकैया समिति आती है, और सकैया समिति ने क्या कहा अब जरा हम उसको पढ़ते हैं। तो सकैया समिति अचानक नहीं आई थी, उसके पहले काफी प्रयास हो चुके थे। तो पहला जो गैर आधिकारिक प्रयास था वो था गोखले का बिल 1911, और जो पहला आधिकारिक प्रयास था वो था आचार्य राममूर्ति समिति। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में 1911 को भी आपको ध्यान में रखना है, और 1990 के आचार्य राममूर्ति समिति को भी ध्यान में रखना है, और उसके बाद अब इस सकैया समिति को भी ध्यान में रखना है। अब इस समिति ने क्या कहा, इस समिति ने कहा कि एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के रूप में बनाने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। अर्थात चूंकि कोई भी चीज फंडामेंटल राइट कब हो सकती है, जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा। तो इस समिति ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुड बी अमेंडेड। इस समिति ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुड बी अमेंडेड for free and compulsory elementary education पहला, और इसकी इसी सिफारिश पर, ध्यान रखें इसकी इसी सिफारिश पर 86 amendment होता है 2002 में, और उसमें आर्टिकल 21 में एक क्लास ए जोड़ी जाती है, और जो भारतीय 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का जो है वो फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन का एक फंडामेंटल राइट बनता है। तो ध्यान रखें कि इस सकैया समिति के आधार की सिफारिश पर ही 86वां संविधान संशोधन, ध्यान रखें कि जो यही जो संविधान आरटीई एक्ट, ये ध्यान रखें कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आरटीई एक्ट 2009 जो है वो 2009 में बना और 2010 में क्या हुआ, लागू हुआ अप्रैल 2010 में। ये दोनों डेटे बहुत ध्यान में रखनी है। अगस्त 2009 में ये संविधान जो है ये कानून बनता है, और 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है जम्मू कश्मीर को छोड़ करके भारत के सभी राज्यों में। लेकिन ये एक्ट जिस धारा पर बना वो धारा कब जो है संविधान में जोड़ी गई, वो धारा 2002 में जोड़ी गई, और उस धारा को जोड़ने की धारा कहां पर जुड़ी, ध्यान रखें कि ये हमारा जो अनुच्छेद 18 से 22 शिक्षा के अधिकार जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसमें जो तीसरा अधिकार है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में एक क्लास जोड़ा गया, और जो हमको ये बात कहता है, और ये क्लास जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 45 जो नीति निदेशक तत्व है वो भी इसके बारे में कहता है, लेकिन चूंकि नीति निदेशक तत्व जो है वो बाध्यकारी नहीं होते, इस अनिवार्य नहीं होते, वो स्वैच्छिक होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार बाध्यकारी होते हैं सरकार के लिए, इसलिए
इसको 21A में जोड़ा गया। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब अनुच्छेद 45 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा की वकालत करता के बारे में बताता है, चूंकि वो नीति निदेशक तत्व है और नीति निदेशक तत्व सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं, इसलिए इसको अनुच्छेद 21, तो अनुच्छेद 21A अनुच्छेद 45 दोनों ही एक इक्वल स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं। लेकिन चूंकि 21A क्या है, वो मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो सरकार के लिए नकारात्मक है, अर्थात वो सरकार के लिए बाध्यकारी होते हैं, इसलिए इसको जोड़ा गया। और ये कब जोड़ा गया, 2002 में। और किसकी सिफारिश पर यह संविधान संशोधन हुआ, सकैया समिति की सिफारिश पर। चलिए, तो दूसरा इनका जो रिकमेंडेशंस था वो ये था कि जो हमने तीन रिकमेंडेशंस किए, उन्होंने कहा कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रेन इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स। अर्थात अपने बच्चों को, यानी यहां पर 6 to 14 ईयर्स की बात होती है, बस ध्यान रखें कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना प्रत्येक अभिभावक की क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी होगी। ये भी सुझाव उन्होंने दिया। और तीसरा यहाँ पर जो हमने कहा कि गवर्नमेंट लाइबिलिटी है, यहाँ तीसरा जो सुझाव था, तो पहला जो है वो संविधान संशोधन के बारे में था, दूसरा जो था वो गवर्नमेंट के बारे में था, दूसरा जो है वो पेरेंट्स के बारे में था, तीसरा गवर्नमेंट के बारे में, और यहाँ पर स्टूडेंट्स के बारे में। तो ये चार सुझाव जो तीन की चर्चा हम पहले कर चुके थे यहाँ पर, यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराना, प्राथमिक शिक्षा ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी, और 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य मुफ्त शिक्षा प्राप्त करना ये बच्चे का मौलिक अधिकार होगा, होना चाहिए, यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ होना चाहिए शब्द शुड भी, क्योंकि उसी की सिफारिश पर के आगे जो एक्ट बना। तो अनिवार्य जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में इस जो कमेटी है, इस कमेटी का बहुत बड़ा रोल है, सैकिया समिति का, और ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, क्योंकि हमको राइट टू एजुकेशन एक्ट तो ध्यान में रहता है लेकिन उसकी पृष्ठभूमि नहीं याद रहती। तो उसकी पृष्ठभूमि में हमको चार बातें ध्यान रखनी है, 1, 86वां संविधान संशोधन 2002, दूसरा सैकिया समिति 1994 से 1997, और उसके पहले आचार्य राममूर्ति समिति, और उसके सबसे पहले हमको गोखले बिल, और उसके भी पहले अगर बात की जाए तो 1882 का हंटर कमीशन। तो ये 5-6 बिंदु आपको आरटीई एक्ट के बारे में ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फ्रेम होते हैं। तो गाइस, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास पर कुछ नए कमेटीज के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।